फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री ने फ्री बजट को लेकर उद्योगपतियों के साथ बैठक की। फरीदाबाद पहुंचते ही मुख्यमंत्री पालीगांव पहुंचे, जहां उन्होंने नॉलेज पार्क रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उद्योगपतियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री की माने तो बजट से पहले उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है, जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सभी से बात करने के बाद, उनके सुझाव लेने के बाद ही सारे काम किए जाएंगे, और बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जिनका समाधान वो पहले ही कर चुके हैं। बजट से पहले हम लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, इंडस्ट्री के हैं, इवन एग्रीकल्चर के लोगों से भी बात करेंगे, और इन सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो जो इनकी अपेक्षाएं हैं बजट से, या इनके जो हर एक सेक्टर के अलग अलग कठिनाइयां हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, कुछ उनकी डिमांड्स भी हैं, तो सब जगह से बड़े से अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं, उनकी कठिनाइयां भी उनको ध्यान में आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें तो ऐसे हैं जो हाथों हाथ हल करने के हम कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बजट से जुड़ी हुई हैं, बजट में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हमारे हरियाणा की जो आर्थिक प्रगति है वो अच्छी हो, हमारा इकोनॉमी का साइज बढ़े और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि इंडस्ट्री जो है इस समय एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ऐसा हमारा फोकस है। कुल मिलाकर कोई एक स्थान विशेष के केंद्रित ये डिस्कशन नहीं था, ये इंडस्ट्री टोटल मिलाकर के उसको किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, मानो लैंड की कठिनाई उनको आती है, पावर के बनाते से कुछ अपेक्षाएं हैं, पानी का जो रीयूज रीसाइकिलिंग इसके कुछ प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाए, पोल्यूशन एनवायरनमेंट के विषय हैं, तो ये सारे विषयों को मिला करके सब सुझाव थे। लगभग 3 घंटे डिस्कशन हमारा चला है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। Anti pollution and fuel saving for all automotive. Save fuel up to 20%. Reduce pollution 50 to 70%. Wait for Pan India launch.